हवाई अड्डों का मामला अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ARY न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि FATF के सामने पाकिस्तान अपना मौकफ पेश कर रहा था, दहशत गर्द पाकिस्तान को डिस्टेबिलाईज करने की कोशिश करते रहते हैं, पाकिस्तान ने अपने तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। वजीर खारजा ने कहा कि अपोजिशन कहती आ रही है कि हवाई अड्डों से मुतालिक एतमाद में लिया जाए। आज बजट पेश होते ही 1 जुलाई को इजलास बुला रही है, जिसमें हकूमती और अपोजिशन अरकान को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में अपोजिशन के फ्रूजे जो सुनी सुनाई बातों पर करती है, इसे साफ किया जाएगा। इनका कहना था कि पाकिस्तान की जरूरत है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करें, वो कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग को कम करें, वो भी किया जा रहा है, और अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं।